रहे हैं अभी। अरे तो मार रहे हैं। का क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पे बढ़िया है ये डोली चाय वाले से अच्छी है। लो डोली चाय वाले चाय अच्छी नहीं होती बस उसका स्टाइल है। हाँ भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हमारा नेपाल में छठा दिन है और आज हम लोग हैं कोहलपुर में। कोहलपुर पीछे बस स्टैंड है, ये कोहलपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगर आप लोग पोखरा वगैरह या फिर आप लोग जुमला साइड में जा रहे हो तो आप लोग को यहीं आना पड़ेगा, यहीं से आप लोग जाओगे। यहाँ से नेपालगंज कितना 20 किलोमीटर होगा? नेपालगंज 20 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहीं से सारी गाड़ी मिलती है। तो हम लोग भी अभी देखते हैं हमें कहाँ पे जाना है। बाकी सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा, नाश्ता वगैरह करेंगे उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग चाय पीने आए, आज की चाय हमारी मतलब इसको चिया कहते हैं, ये हमारी ये है और ये है आज। अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली और चाय पीने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। कोहलपुर से हम लोग अभी 2 किलोमीटर आगे आए, लिफ्ट मांग रहे थे, लिफ्ट कहीं पे मिली नहीं। आज हम लोग इससे लिफ्ट मांग रहे हैं, ये अरबाज भाई का यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग कहाँ से जाने वाले हैं? आज हम पहुँचेंगे रिहार, डांग जाएंगे, डांग डांग रिहार। दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा समथिंग 200 किलोमीटर। बगार बाबा मेले पे जाएंगे आज। आज हम लोग मेला देखने वाले हैं, नेपाल का मेला कैसा होता है, पहली बार हम लोग मेला देखेंगे आज। अभी हमें चेक पोस्ट मिली है और भैया गए हैं अभी अपनी गाड़ी का वो करवाने के लिए, कुछ होता होगा। यहाँ पे 25 मिनट तक कोई भी थूक नहीं सकता, कोई भी मतलब चीख नहीं सकते, कोई गाना नहीं बजा सकते हम लोग, क्योंकि ये पूरा एरिया होता है वो पूरा बन है, मतलब बन होता है जैसे कि कोई जंगल वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। तो ये पूरा आर्मी कैंट में आता है, पूरा आर्मी वगैरह खड़ी होती है, फोर्स वगैरह, तो अपनी चेकिंग करवा के ही जाना होता है। तो अभी ये सभी लोग गए हैं, मतलब भैया भी गए हैं अभी चेकिंग कराने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। गाड़ी देखो खड़ी पड़ी है, आगे ट्रैफिक है, देखते हैं कितनी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर कितनी देर में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 25 मिनट तक तो हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। अभी यहाँ से टाइगर वगैरह मतलब हमें मिला नहीं था, टाइगर एलिफेंट जोन था, अब टाइगर जोन आ गया, स्टार्ट हो चुका है, यहाँ टाइगर आ सकता है। टाइगर एक और उनको खा दिया था यहाँ पे, और इसलिए तो अभी बाइक वाले को चलने नहीं देते, गाड़ी के पीछे लगाते हैं बाइक वाले। कोई देखा क्या बाइक वाला? कोई नहीं देखा, नहीं देखा कोई भी। तो अस्पताल से आ रही थी तो लड़का बाइक चला रहा था और माँ पीछे थी और जंप मार के वो माँ को खा गया, पूरा निकल गया। अभी हम लोगों एंटी पोस्ट आ चुका है, हमारी जो 25 मिनट थे वो पूरे हो चुके हैं। अब 25 मिनट तक हम लोग देखते रहे, हमें कहीं पे शेर चीता हाथी वगैरह कुछ नहीं मिला, बंदर के सिवा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ऐसे नेशनल पार्क में जो घंटा। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से बिस्किट वगैरह लिए थे और ये आंटी है, क्या नाम है आपका? डम्बर भंडारी है। अच्छा अच्छा, और बाकी सब बढ़िया? हाँ भैया, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, कौन सा जंगल वगैरह एरिया, पोस्ट वगैरह खत्म हो गई थी तो हम लोग अभी इस जंगल वाले एरिया में पहुँचे। यहाँ पे भैया ने बोला कि यहाँ पे अंकल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, कड़क वाली चाय बनाना अंकल। हमको चाय बनाने में कम से कम नहीं तो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा, ब्लैक टी, अच्छा यानी व्हाइट टी, व्हाइट टी, हाँ जैसे भी हो चाय। और ये जो है चूरट मेगा सीरी पॉपकॉर्न वगैरह भी हम लोग घर में बना के पैक करके लाते हैं शुद्ध एकदम। यहाँ मिल रही चाय, अंकल की चाय आ रही है, देखते हैं आप पी के। भंडारी चाय वाले, हम लोग पहली बार पी रहे हैं, कैसे लगा टेस्ट? बढ़िया है, ये डोली चाय वाले से अच्छी है। लो डोली चाय वाले, चाय अच्छी नहीं होती बस उसका स्टाइल है। काफी काफी बढ़िया चाय बनाई है अंकल ने। हाँ भैया, तो अभी हम लोग आ रहे थे वहाँ से, रास्ते में तो हमें एक चेक पोस्ट मिली और वो जगह हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ से, यहाँ से अभी 7 किलोमीटर बची है। ये भाई हमें मिला है, कौन सी जगह है? रोहिणी खोला है जगह, जगह का नाम है। यहाँ पे हम लोगों को ये पार्क वगैरह मिला, क्या पार्क का नाम क्या है? व्यू टावर। व्यू टावर है, व्यू टावर, यहाँ पे टावर वगैरह बने हुए। और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? फूल। अंदर आते हैं लोग? आता है। डेली कितने लोग आ जाते हैं? डेली आता है बहुत। तो यहाँ के 30 रुपए टिकट है, हम लोगों ने अभी टिकट ली है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम लोग अंदर की तरफ आए, तो अंदर की तरफ वो गेट है, गेट से हम लोग जैसे अंदर आ रहे हैं ना तो यहाँ पे सारे जितने भी है फूल्स वगैरह जा देंगे यहाँ पे। आज भी हम लोग एक पार्क में घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कहीं पे अभी इस एरिया में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, उस एरिया में हमें कहीं पे कोई भी घूमने की जगह नहीं मिल रही है, कोई अच्छी जगह हो। 30 रुपये चार्ज है यहाँ का, बताओ सबसे ज़्यादा महंगा पार्क का अभी तक हमें चार्ज पड़ा है इसे 30 रुपये। कि ये टावर है,
अभी हम लोग ऊपर देखेंगे, अगर ऊपर जा सके तो जाएंगे हम लोग ऊपर। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं ऊपर टावर से, बस लास्ट ही है देखने के लिए क्योंकि तो ऊँचाई चलते ऊपर। और हम लोग अभी एक एक सीढ़ी गिनते हुए जाएंगे ऊपर, कितनी सीढ़ी है ऊपर टावर पे। एक दो दस है, ये एक मंजिल है ना, एक मंजिल पे तो 10 ही होती है। तो हम लोग ऊपर की तरफ आए, 95 सीढ़ी हैं और नीचे गेट ये दो, यहाँ 108 सीढ़ी चढ़ के आए हम लोग अभी ऊपर। बाकी इधर नाम वगैरह लिख के रखे हैं लोगों ने अपने, प्रेमी प्रेमिकाओं ने, ये तो कहीं पे नहीं छोड़ते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल हो। हाँ भैया, तो अभी हम लोग कम से कम 15 किलोमीटर वहाँ से आ चुके हैं चेक पोस्ट से, जहाँ पे हमें दूसरे आर्मी वाले भैया ने यहाँ पे ट्रक में बिठा रहा था। ये भाई हैं हमारे साथ में, भाई क्या नाम है आपका? ध्यान मौर्य। ध्यान मौर्य, यही नेपाल में रहते हो ना आप? अच्छा, अभी हम लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लम्ही, लम्ही तक हम लोग अभी लम्ही वगैरह जा रहे हैं। हाँ भैया, तो अभी हम लोग उस ट्रक से उतर के अभी 90 किलोमीटर हम लोग कोहलपुर से आ चुके हैं। सुबह जब कोहलपुर से चले थे तो अब यहाँ तक 90 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। और पीछे मेरे पहाड़ हैं, देखो कितने ज़्यादा पहाड़ हैं। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रिहार, ये रिहार जगह है और उसके पीछे काफ़ी जगह पड़ी थी और एक नेशनल पार्क भी पड़ा था, उसके बाद में ये जगह पड़ी। यहाँ मेला लगा हुआ है, ये देखो सामने मेला ही मेला है। और अभी हम लोग अंदर मेले में एक्सप्लोर करने वाले हैं क्या क्या मेले में है, और आज जाकर ठिकाना के देखेंगे कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बाकी यहाँ के सीन बहुत बढ़िया हैं, देखते हैं आ जाओ। हाँ भैया, तो अभी हम लोग मेले के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हमें ज़्यादा मिल रही हैं, ब्रेसलेट वगैरह हैं और हाथों में कंगन वगैरह पहनने के लिए हैं। और भैया कैसे हो, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे? अच्छा, मंदिर है ऊपर मिलेंगी, मंदिर की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारी शॉप्स हैं। वह यहाँ की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है? वो वाली ना, ये वाली काजू कट बर्फी है। क्या प्राइस क्या है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। यहाँ पे ये संतरे वगैरह बहुत मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे। और व्यू देख रहे हो कितना मस्त है यहाँ। अभी हम लोग इस वाले मेले में घूम रहे थे ना, तो घूमते घूमते मुझे खुशबू आई एकदम, पता नहीं किसी चीज़ की खुशबू थी, लेकिन खुशबू इतनी मस्त थी कि मेरा खाने का मन करा यार। चाय बहुत पी रहा है यहाँ, नेपाल में आने के बाद में इतनी चाय पी है हमने, इतनी चाय पी है कि दिन में मैंने इतनी चाय एक साल में कभी नहीं पी थी। अपनी गाड़ी दिख गई वहाँ पे, देखो बहुत ज़्यादा चलती है अपनी गाड़ी यार। वो देखो भैया लेके जा रहे हैं यार, सच में मुझे अपनी गाड़ी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मन है गाड़ी चलाने का यार अपनी। और देखो घर जाते ही 8 दिन के बाद घर जाएंगे तो गाड़ी चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चलाएंगे। अभी हमें यहाँ पे मेले में काफ़ी लोग मिले। फेस्टिवल रहने वाला है, वो कब का है? 30 तारीख से 1 तारीख तक, मतलब नेपाली एक नेपाली नेपाली क्या? अभी आप में से कोई हमें नेपाली सॉन्ग कोई हमें सुनाएगा? रगत माझ तिमी मलाई पढ्नाले मन पर्ने मायालुलाई सम्झिउला दिन त रात। ये तो सुना रहे और से सुनना मैं। रगत माझ तिमी पिरतिको अर्को नाम छ तिमी, तिमी मलाई पढ्नाले नै मन पर्ने, तिमी मलाई पढ्नाले नै मन पर्ने, तिम्रो छर्के आँखाले नै। अब हमें कुछ समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा था, समझ में मत लाइए। वो बोल रहे हैं कि मेरा सबसे फेवरेट हो तुम, सबसे तुम हो मेरे रग रग में, मेरे नस नस में तुम ही हो। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ठीक। उन्होंने गाना सुनाया, काफ़ी आया, अच्छा लगा। तो इस बार भी हमें सुननी है। खैर हम लोग अभी आए इधर खाली जगह ना, इधर बता रहे हैं कि यहाँ 2 लाख लोग आएंगे कल, पूरी जगह पूरे एरिए में 2 से 3 लाख लोग आएंगे। बाकी इधर ना ऊपर मंदिर बता रहे हैं, वहाँ तक नदी फैल हुई है, नदी आई है और वहाँ तक है। यहाँ नेपाल में नदी बहुत है, बहुत ज़्यादा नदी है यहाँ पे। अभी आंटी जा रही है, 100 रुपये आते हैं इसके टिकट। हाँ हाँ, 150 रुपये आ रहे। 150 रुपये पूरा घुमा के लेके आएंगे? अच्छा ठीक है, आप जाओ। नहीं नहीं आप जाओ।
हैं अभी। अरे तो मार रहे हैं मेरे को। हेलो, हाय हाय करो, हाय करो, तभी मम्मी पास चलेंगे। क्या लोगे, कहाँ पे घूमोगे? अभी इनको चाहिए थी बंदूक, बंदूक चाहिए थी। अरे है मम्मी कहाँ पर है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम नाम है। हाय करो पहले, हाय, हेलो करो, हेलो करो, सामने हेलो करो, कैमरे को हेलो करो। हाँ हेलो। अरे ये रो रहे हैं, कुछ चाहिए था, ये रो तो यार। अरे अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा। हेलो करो, हाय 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 हेलो, शांत शांत शांत, अभी अभी ले चलेंगे अभी। मम्मी से पहले हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो मम्मी से, हेलो करो मम्मी से। हमारे साथ चलोगे घर पे? हमारे साथ घर पे चलोगे? हैं इंडिया, इंडिया चलेंगे, इंडिया चलोगे? चलो आज हमारे साथ रहोगे तुम, ठीक? बाय करो मम्मी को, बाय करो, बाय करो मम्मी को। अभी हम लोग जा रहे हैं इनके साथ में, ये हमें कहीं पे लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे आराम से आराम से, क्या लोगे? आराम से आराम से, ये चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक, पार्ट प्रतीक। अच्छा ठीक है, बाय। हेलो, ठीक है, बाय। हाँ भैया, तो अभी हम लोग आ चुके हैं लम्हे, क्योंकि हम लोग इस मेले से निकल के हम लोग लम्हे पहुँच चुके थे। इस वाली बस से आए हम लोग यहाँ पे, वो जो पुलिस वाले अंकल थे उन्होंने हमें बिठलवा दिया था इस पर, और ये बिल्कुल फ्री आए हम इसके अंदर। देख रहे हो मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग लम्हे पहुँच चुके हैं और हमें रूम मिली है, और ये भाई हैं। भैया आप मेरठ से हो ना? ये भी यूपी से ही है, मेरठ से बहुत पास, बरेली से बहुत पास पड़ता है, तो मेरठ से हैं, यहाँ पे रहते हैं। आप क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे? मार्केटिंग का काम करते हैं। कितने टाइम से कर रहे हो आप यहाँ पे काम? दो साल से काम कर रहे हैं। तो दो साल से नेपाल में हम लोगों को भी 5 दिन हुए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कितने दिन हो चुके हैं, और भैया 2 साल से काम कर रहे हैं। तो बाकी सब बढ़िया, अभी रूम हमें मिला है 500 नेपाली में, भैया ने डिस्काउंट करवाया था, वैसे तो 800 बताई थी आंटी, लेकिन अच्छा रूम है यहाँ पे। बढ़िया, क्योंकि आदमी को ना नहाने का मौका मिल जाएगा। नहीं नहीं हाँ, मैं दो गर्म पानी मिलेगा, मतलब गर्म पानी कहीं पे नहीं मिल गया, हर जगह देखो तो वहाँ ठंडा पानी मिल गया, यहाँ पे गर्म पानी है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है, और अच्छा रूम है, खाने वाने को भी सब कुछ अच्छा है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल को बहुत सारी जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लम्हे की। लम्हे में मार्केट वगैरह भी है, लम्हे में मार्केट है, तो कल को हम मार्केट देखेंगे। तो बाकी सब बढ़िया है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब बढ़िया, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, डेली यहाँ पे आते रहो।